हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूनिक कोचिंग एकेडमी। इसके पहले के हमारे जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस मैंने आपके साथ TN SN सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसका पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी लिए हैं जो अलग टाइप्स के 10th के पूरे एक्सरसाइज में के जो आपको नहीं आ सकते, मुझे जो लगे कि आपको वो मुश्किल जाएगा या डिफिकल्ट जाएगा, वो मैंने पूरे सॉल्व करके देने की आपको कोशिश की हुई है। ठीक है, तो और मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिले जिसमें आपको और थोड़े बहुत डिफिकल्टीज आ सकते हैं, वो भी मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये मुझे लगा बच्चों कि ये प्रॉब्लम ऐसा है जो आपको नहीं आ सकता। ठीक है, मैं प्रॉब्लम सेट के भी लूंगा, पहले ये कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम लेंगे हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो। तो ये प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं, अब ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर और कोई आपको नहीं आता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं और एक वीडियो आपके लिए बना दूँ। ठीक है, तो फाइंड 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म मतलब चार कॉन्सिक्यूटिव टर्म है जिनकी पूरी की पूरी टर्म्स की एडिशन कितनी है 12, एंड द सम ऑफ थर्ड मीन्स T3 एंड T4 मीन्स फोर्थ टर्म, द एडिशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। मीन्स हियर द एडिशन ऑफ फुल AP, हियर द AP कंसिस्ट ऑफ फोर टर्म्स, मीन्स चार टर्म AP में, क्योंकि बोला है फोर कॉन्सिक्यूटिव। द सम ऑफ ऑल AP इज 12 बट द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। यहां से आपको क्या सेंस मिलता है बच्चों, एक बात याद रखना, चार टर्म्स की एडिशन अगर 12 है और बाकी दो टर्म्स की 14 है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका AP है उसमें निगेटिव नंबर्स भी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जिससे कि आपकी एडिशन कैंसिल आउट हो जाती, देखेंगे आगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है आपके लिए, आपके 10th के बुक में पूरा दिया हुआ है ऐसे के ऐसा कि चार टर्म्स आपको कौन सी लेनी है, a-d, a+d, a+2d। ठीक है, आप चाहो तो a+d इधर ले लो और इधर a-2d ले लो, वो भी चलेगा, लेकिन बेटर टू बी इन पॉजिटिव। मतलब मैंने हमेशा बोला है कि पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव के साइंस आए वही अच्छा है, निगेटिव के साइंस ज़्यादा बढ़ाने नहीं है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा a+3d क्यों नहीं लिया, बच्चे लेना है तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आने वाला है, लेकिन एक पीछे भी होना चाहिए, इसलिए मैंने a बीच में रख के a-d ले लिया। ठीक है, कभी कभी अज्यूम्शन दिया नहीं रहेगा, ये हिंट में दिया हुआ है आपके जो बुक से उसमें, लेकिन अगर प्रॉब्लम ऐसी आए और हिंट में दिया नहीं रहा कि अज्यूम्शन क्या करना है, तब उस केस में अजम्पशन याद रखना, वो अजम्पशन वहां पे कर लेना। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तो फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ना, तो एडिशन, उनकी एडिशन तो एक तो पूरी की पूरी ऐड कर देते, a-d प्लस a+d प्लस a+2d। ठीक है, मतलब पूरा सबके एडिशन कर दी इज इक्वल्स टू 12। तो देखो a+a+a+a कितने बार हो गया, 4a। ओके, डन यहां तक। अब d देखो, एक डी कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस का कैंसिल, कितना बचा, +2d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम 2 कॉमन निकालेंगे, 2 क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 अगर कॉमन निकल गया बच्चे तो अंदर बचेगा 2a+d इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर 2a+d इज इक्वल्स टू 6। क्या आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन बन चुका है ना, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर दे दिया मैंने, ये 2 कॉमन निकाला, क्यों, क्योंकि 4 और 2 दोनों 2 से डिवाइड होते थे और 12 भी 2 से डिवाइड होता था। अगर ये न्यूमरेटर में यहाँ कॉमन निकालेंगे तो वो 12 के डिनोमेटर में जाके डिवाइड होकर 6 हो जाएगा। बेटर टू बी सिंप्लीफाइड, हमेशा याद रखना, जितना हो सके उतना किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना मैथ्स में, जिससे कि आपको बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील ना करना पड़े और आपका आंसर भी गलत ना हो। बहुत से बच्चे बड़े बड़े नंबर्स को ऐसे के ऐसे रहने देते, उनको लगता है कि डिवाइड नहीं होता, लेकिन करके देखा करो बच्चों, होता है। ठीक है, और एक हिंट इस वीडियो में दे देता, देखो इवन नंबर दिखे तो हमेशा 2 से डिवाइड करना, और ऑड नंबर्स दिखे तो हमेशा 3, 7 या 9 से करके देखना, आपकी डिवीजन जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक हो चुका है, तो आगे बोला है, दूसरी कंडीशन दी है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, मतलब तीसरे और चौथे टर्म की जो एडिशन है बोलते हो 14, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, देयरफॉर लेट एड T3 एंड T4 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है, तो T3 का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अब देखो यहाँ आप साइड में करके देता, या डायरेक्ट लगा देना, मैंने बस यहाँ आपको रफ में करके देता हूँ, यह भी मिटा देते हम। ठीक है, क्योंकि जगह ले रहा हमारा ये, और यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी लिमिटेड है। तो देखिए T3 क्या होगा हमारा, T3 होगा हमारा TN के फॉर्मूले से a+3-1 d, जिसका मतलब होगा a+2d, एंड सिमिलरली T4 इज इक्वल टू a+3d। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका 2d हो मतलब उसका 3d हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a+2d प्लस a+3d इज इक्वल टू 14। अब यहाँ बच्चों फिर से कौन से आ गए, हम लीनियर इक्वेशंस में आ गए, देख लो अच्छे से एक बार, हियर वी अगेन स्टक विथ लीनियर इक्वेशन, मतलब फिर से हमें लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है।
तो यह हो गया 5d और यह हो गया 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप देखो, अब इनमें जो साइंस है, वो किस है? देखो मुझे ए के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है और साइंस भी सेम है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a 2a कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमें मिल सकती है। विथ व्हाट मेथड? एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड या अप्लाई करेंगे। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये कैसे आया, तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला लगाया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जिसने देखे नहीं है वीडियोज वो पीछे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एपी की, उसमें देख लो, तीन चार वीडियोज है वो पूरे देख लो, एक बार क्लियर आउट कर लो पूरा एपी। उम्मीद करते हो कि आपको पूरा एपी समझेगा, गारंटी कर सकता हूँ मैं इस बात की। ठीक है, तो देखो आगे आपको समझने के लिए एक बॉर्डर बना देते जिससे कि समझे प्रॉब्लम कौन सा है। तो यहाँ वन और टू है ना, तो इक्वेशन वन माइनस टू, माइनस क्यों किया बच्चे? क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों की साइंस सिमिलर है। अगर साइन और कोएफिशिएंट सिमिलर रहे तो डिफरेंट रहे तो एडिशन होता है। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में एक जीरो करना होता है। अब अगर किसी को ये इतने शॉर्टकट में समझा नहीं है तो जाके लीनियर इक्वेशंस में देख लो हमारे चैनल पे, आपको सब कुछ समझ जाएगा। उसमें से पूरी वीडियोज है, कुछ चार या पांच वीडियोज है जिससे कि प्लेलिस्ट है पूरी बनी हुई, वो देख लेना। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन वन माइनस टू, तो ये कैंसिल हो गए, तो यह हो गया माइनस फोर डी इज इक्वल टू माइनस एट। देयरफॉर डी इज इक्वल टू माइनस माइनस, दोनों साइड कैंसिल हो गए। अब ये फोर इधर डिनोमिनेटर में चले गए तो डी आ गया हमारा टू। फोर इधर मीन्स इन द सेंस एट बाय फोर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू। ठीक है, ये स्टेप मैंने की नहीं क्योंकि आप थोड़े ग्रो अप हो जाओ। एट बाय फोर इज इक्वल टू टू, ठीक है समझिए। अब डी क्या ए कैसे निकालेंगे? पुट डी इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन, इक्वेशन वन में डालेंगे बच्चे, इक्वेशन वन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए प्लस डी इज इक्वल टू सिक्स। देयरफॉर टू ए प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। देयरफॉर टू ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू, ए इज इक्वल टू फोर बाय टू, क्योंकि सिक्स ये देखो ये टू इधर पॉजिटिव था उधर जाके निगेटिव हो गया, तो सिक्स माइनस टू फोर आ गया। अब टू से डिवाइड करेंगे हम फोर को, तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गया होगा। अब ए और डी निकल गए ना बच्चे, अब बाकी का प्रॉब्लम कोई मुश्किल नहीं है करना, अब कोई भी वैल्यूज निकाल सकता है। देखिए ए और डी हमने अजम्पशन, देखो ए ए प्लस ए था हमारा, ए माइनस डी था हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये कितना है टू माइनस टू मतलब जीरो। दूसरी टर्म क्या थी, टी वन इज इक्वल टू, अब टी टू क्या थी, ए इज इक्वल टू हमारी थी ए टू टू है। अब टी थ्री क्या है, ए प्लस डी यानी टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। और टी फोर क्या है, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू टू प्लस टू इंटू टू इज इक्वल टू टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स। आ चुकी है पूरी टर्म्स, तो अब देखो हमारी एपी क्या है। देयरफॉर एपी इज जीरो टू फोर एंड सिक्स। ओके बच्चों, तो ये प्रॉब्लम एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा पेन का इशू हो रहा, ठीक है, लॉकडाउन के कारण थोड़ा पेन वगैरह इतने इंक वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण से थोड़ा इशू हो रहा है। तो देख लो ये एक बार अच्छे से देख लो, ब्राइटनेस बढ़ा के प्रॉब्लम, और लिख लो ये आपके एक्सरसाइज 3.3 में का प्रॉब्लम है आई गेस, और उसमें का शायद से ये 8 या 9 प्रॉब्लम है। एक बार ये कर लो, ये प्रॉब्लम आपको अगर आ गया तो प्रॉब्लम सेट की प्रॉब्लम आपको आसानी से आ जाएगी। अगर इस प्रॉब्लम में और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, और अभी के लिए ये नोट डाउन कर लो अपने बुक में। मैं आगे का प्रॉब्लम इसके बाद अभी लेना स्टार्ट करता हूँ। हेलो, तो देखिए बच्चों ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। अब सेकंड प्रॉब्लम से मैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या है, ये हमारा 3.4 एक्सरसाइज में का फर्स्ट प्रॉब्लम है शायद 10th के। ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव रुपीज 10, मतलब सानिका ने 1 जनवरी को सोचा कि भाई आज से रोज 10 रुपये बचाते। ठीक है, तो 10 रुपये बचाए उसने, दूसरे दिन 11 बचाए, तीसरे दिन 12 बचाए, ठीक है, ऐसे कंसिक्यूटिवली उसने 13, 14, 15 ऐसे करती रहे। ठीक है, इफ़ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31 दिसंबर 2016, मतलब अब ऐसे अगर उसने शुरू रखा पैसे बचाना तो 31 दिसंबर 2016 मतलब 31 दिसंबर 2016 को उसके पास कितने पैसे टोटल हो जाएंगे, मतलब हमें सम निकालना है। ठीक है, एक्चुअल में हमें सम निकालना है। व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, हर उसकी टोटल सेविंग क्या होगी बोलते, मतलब टोटल सेविंग क्या होगी 31 दिसंबर 2016 को। ठीक है, तो अब देखिए पहले दिन उसने 10 बचाए, दूसरे दिन 11 बचाए, तीसरे दिन 12 बचाए, मतलब हर एक दिन 1 रुपए का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 1।
ठीक है। तो बहुत से बच्चों को ये तो आ जाता है एपी वगैरह सॉल्व करना, फॉर्मूला वगैरह, लेकिन क्या रहता है कुछ वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज रहती है सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस बच्चों को लिखते नहीं आते, तो वो आज मैं क्लियर करूंगा आपका। देखिए सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, सानिका डिसाइड्स टू सेव 10 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस हमारा होना चाहिए, सानिका सेव्स रुपीज 10 ऑन फर्स्ट डे। मैं पूरा डिटेल में लूंगा बच्चों, जितना हो सके उतना, क्योंकि बोर्ड में हमें बहुत डिटेल में लिखना होता है तभी हमें मार्क्स मिलते हैं। देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू 10 ऑन सेकेंड डे, सेकेंड चाहो तो ऐसा लिख लो, शी सेव्स 11 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे लिख लो अब ऑन थर्ड डे। अब तो ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, थर्ड डे शी सेव्स रुपीज 12 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमें सॉरी 13 है मेरे हिसाब से, 13 12 नहीं है, 13 है, यहाँ 11 होना है, यहाँ 12 होना। ओके तो अब हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है पूरा, 10 11 12 मतलब T1 इज इक्वल टू 10, T2 इज इक्वल टू 11 एंड T3 इज इक्वल टू 12, ये मिल चुका है। अब कॉमन डिफरेंस बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमन डिफरेंस है नहीं, A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। मैं यहाँ पे ब्रैकेट डब्बा इसलिए बना रहा हूँ, मतलब जो बॉक्स है वो इसलिए बनाता हूँ कि आपको समझ जाए, ठीक है। तो D कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, सॉरी हाँ 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे D इज इक्वल टू 1 है हमारा, D की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ मैंने कैसे किया, ठीक है। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर 10 11 12 इसके आगे क्या गारंटी है कि उसने सेव किया या नहीं 13, तो देखो एक यहाँ पे बोला है सानिका डिसाइड्स टू सेव, इसका मीनिंग है कि और टू सेव लाइक दिस, मतलब इस जैसा वो कंटिन्यूस कर रही है आगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 पे आके फिर 14 पे चली गई, नहीं, यहाँ पे बोला है कि दिस इज एन एपी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस के फॉर्मेट में उन्होंने बोल दिया कि दिस इज एन एपी, ठीक है। बट ये एक ह्यूमन ने मतलब सोच लिया कि भाई हम करेंगे सेव करेंगे भाई ऐसे, तो सेव लाइक दिस मतलब उसने शुरू कर दिया सेव करना, तो अब 12 के बाद 13 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, हमें तो पता है 13 14 15। तो अब देखिए ए इज इक्वल टू 10 हो गया, डी इज इक्वल टू 1 हो गया, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज आर फॉर्मूला। अब इसमें आप बोलेंगे सर n की वैल्यू क्या डालें, ठीक है, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, n की वैल्यू क्या डालेंगे। अब देखो दिस इज अ लीप ईयर, 2016 इज अ लीप ईयर, लीप ईयर मीन्स ये ऐसा साल है जिसमें 366 डेज होती है, नॉट नॉर्मल ईयर नहीं है, दिस इज अ लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ और एक सेंटेंस लिखेंगे, इससे पहले ये फॉर्मूला बस आपको लिखने के लिए मैंने दे दिया, 2016 लीप ईयर, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इन 2016 इज इक्वल टू 366, ठीक है। मतलब यहाँ पे और इसको n लिख लो ऐसे, मतलब n हमारा हो गया 366, क्यों, क्योंकि उसने 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा का साल, पूरा साल, ठीक है, पूरा साल उसने क्या किया सेव किया, इसलिए हमारी जो n है वो 366, देयरफॉर s की वैल्यू डाल दो 366। ओके गॉट इट बच्चों, जिसको नहीं समझो उसके लिए और एक बार रिपीट कर देता, 366 क्यों है, क्योंकि दिस इज अ लीप ईयर, इफ दिस वोंट बी अ लीप ईयर, ये अगर लीप ईयर नहीं होता तो हम 365 लेते, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर होने के कारण, तो इसलिए ये नंबर पे ध्यान रखना 216 215 ऐसा जो आए वो, ठीक है। तो अब देखो 366 बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू, यहाँ बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि बीच में कौन सा साइन है, तो बच्चे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने बेसिक्स के वीडियो में लेके रखा है, वो देख लो एक बार, पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 में किसी में तो भी बोला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हो चुका है, तो 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए है हमारा यहाँ पे 10, ए है 10 प्लस 366 माइनस 1, और डी है हमारा हर रोज का 1 लिया है उसने, डी 1 रुपया रोज बढ़ा रही है वो इसके कारण, तो अब 366 लिखने की जरूरत नहीं आ गई है, सीधा आंसर निकाल लो, तो इसको 2 से डिवाइड किए तो आ जाएगा हमारा 18 और 3 183, क्योंकि 2 18 36 और 2 3 6 ये हो गया 18 3 सीधा, और यह हो गया ये 20, तो 20 प्लस हमारा हो गया 366, तो यह हो गया 365 365 इंटू 1
365 होगा माइनस 1 होगा, तो सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो यह हो जाएगा 183 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दो क्योंकि कुछ तो भी नंबर आएगा पूरा, तो यह हो जाएगा 385, क्योंकि 365 प्लस 20 होता है 385, करके देख लो ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा एक बार कर लेते, 385 इंटू 183, 35 जा 15, 5 का 1 आ गया, 38 जा हो गया 24, 5 का 2, 33 जा 9 प्लस 11 हो गया 0 हो गया यहाँ पे, 85 जा 40, 04, 88 जा 64, 64, 86 तो हो गया, 83 जा 24, 24, 30 आ गया ठीक है, या 2 0 हो गए फिर तो हो गया 583, क्योंकि 1 से 5 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 13, 14, 1, 9, यह हो गया 10, 0, 1, यहाँ आ गया 7, 7, 0, 4, 5, 5, यह आपका आंसर आता है इसमें ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इतने पैसे उसने बचा लिए, 70,455 रुपीज़ सानिका ने बचा लिए ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब लास्ट में सिर्फ बच्चों एक सेंटेंस लिख लेना कि सानिका सेव्स रुपीज़ 70,455 फ्रॉम 1st January 2016 टू द 31st December 2016 ओके। तो यहाँ अब अगला प्रॉब्लम लेते, ये एक बार लिख लो अच्छे से, ये पूरा मैंने बोर्ड के हिसाब से आपको पूरा प्रॉब्लम तैयार करके दिया हुआ है ठीक है, नोट इट डाउन एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए बच्चों ये हमारा इसमें का थर्ड प्रॉब्लम, मतलब वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम तो सेकेंड ही है ये सेकेंड नंबर का। तो देखिए इसमें देखिए, अ मैन बोरोज रुपीज 8,000 एंड एग्रीज टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1360 मीन्स 1360 रुपये का इंटरेस्ट देंगे वो इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स मीन्स 12 महीने के कुछ इंस्टॉलमेंट्स किस्त, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, किस्त पता है ना आपको महीने के महीने भरने वाली, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40, मतलब जो हर एक इंस्टॉलमेंट होगी आगे की वो 40 रुपीज़ लेस होंगी, मतलब इस महीने में अगर वो 100 रुपये दे रहा तो आगे वाले महीने में 60 देगा, समझे क्या, ये बात देख दिमाग में डाल लो मेरी कि इस महीने की इंस्टॉलमेंट जो रहेगी ना वो ज़्यादा रहेगी 40 रुपीस अगली वाली से, मतलब अगले मंथ में 40 कम देगा। फाइंड द अमाउंट फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब पहले महीने की और लास्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है ओके, मतलब ज़्यादा इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेगा और जैसे जैसे 12th मंथ तक जाएगा तो इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे वो कंसेक्यूटिवली कम होते जाएगी ओके, इट विल इन डिसेंडिंग ऑर्डर नॉट असेंडिंग ठीक है, मतलब वो कम होते जाएगी इंस्टॉलमेंट, बढ़ते नहीं जाएगी, ये बात मेरी ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बहुत काम में आएगी। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आपने नोटिस की क्या कि 8,000 और 1360 ये दोनों एक ही आदमी भर रहा है, मतलब उसको टोटल कितना भरना है 9,360 मीन्स द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे विद द इंटरेस्ट इन 12 मंथ्स इंस्टॉलमेंट इज 9,360। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लोन के ऊपर वो ईएमआई में इंटरेस्ट जोड़ के ही लेते हैं ठीक है, और आपको अगर पता होगा तो कोई भी बैंक पहले इंटरेस्ट वसूल करती है उसके बाद वो प्रिंसिपल वसूल करते ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखिए पहले, टोटल अमाउंट बच्चों जो स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ ना वो पूरी बोर्ड में वैलिड है ओके, तो डरना मत, ये पूरा आप बोर्ड में लिख सकते, ये स्पेशली 10th के लिए है ठीक है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द मैन इज इक्वल्स टू रुपीज 8,000, रुपीज मत लिखो सीधे लिखो 8,000 प्लस 1360 मीन्स 1360 इक्वल्स टू 9,360, मतलब टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे इज 9,360, देयरफॉर योर टोटल अमाउंट इज 9,360, मतलब SN इज इक्वल्स टू 9,360, SN मीनिंग 12, नंबर ऑफ मंथ्स 12 है। अब 12 कैसे लिखा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इक्वल्स टू 12, देयरफॉर इसमें n लिख लो, देयरफॉर n भी आपको कितना हो गया 12, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है इसलिए देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स आर 12, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12। अब इसे सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। और d आपका कितना है, d इज इक्वल्स टू -40, वाई लिखेंगे, ईच इंस्टॉलमेंट इज 40 लेस देन द प्रीसीडिंग ठीक है, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो है, यहाँ का सेंटेंस भी कॉपी कर सकते, वो 40 से कम है पिछले वाली से, मतलब
आगे वाली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 40 लेस होगी पिछले वाले से, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते एक बार, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब देखो क्या होगा, एस 12 इज इक्वल्स टू 12 बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा हमारा, ए कितना है, ए नहीं पता, ए तो निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट। तो ए ऐसे रहने दो, 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा माइनस 40। ओके, तो देख लो अब यहाँ हो जाएगा, एस 12 लिखो मत, एस 12 की वैल्यू दी है 9360, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, 2 कॉमन मत निकालो, सीधे हो जाएगा काम, 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 11, तो 11 ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 4, 11 440 या 440 हो जाएगा इस कारण, 11 इंटू 40 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11, 11 इंटू 40 होता है 440, ठीक है। तो अब यह 6 जाएगा डिवाइड में, तो 9360 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 440, ठीक है। तो यहाँ आप सॉल्व कर दो, मैं आगे बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट कर दो, हमारा बचा तो वहाँ कर लेंगे। तो 6 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है इसको पूरे से डिवाइड 6 से, तो 6 वन ज़ा 6 तो बचा 33, 6 फाइव ज़ा 30 तो बचा 336, तो 6 से जाएगा 1560 पे, पूरा डिवाइड हो रहा है 6 से, ये माइनस 440 है ना बच्चे, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 440 इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 2000 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000, ये न्यूमरेटर में था 2, एक प्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, देयरफॉर और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000, ए अगर 1000 है देयरफॉर T1 भी लिख लो यहाँ पे इज इक्वल्स टू T1, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया मेरी 1000। तो अब लास्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, T12 इज इक्वल्स टू, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पता है यहाँ पे लिख दिया था फिर भी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर ए कितना है हमारा, ए हमारा 1000 प्लस 12 माइनस 1 हो गया हमारा 11, लेकिन लिख लेते फिर भी माइनस 40 इज इक्वल्स टू 1000 है, 100 लिख दिया था यहाँ पे गलती से, जगह कम है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लॉकडाउन के कारण घर पे वीडियोस बना रहे हम घर के बोर्ड पे, 11 इंटू ये माइनस हो जाएगा, तो सीधा कर लेते हैं, 11 इंटू 40 होता है 440 इज इक्वल्स टू 660 इज आवर लास्ट इंस्टॉलमेंट। देख लो एक बार, यहाँ पे कुछ नहीं, T12 निकालनी थी लास्ट इंस्टॉलमेंट, दे आस्क अबाउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 12th इंस्टॉलमेंट, देयरफॉर वी फाइंड आउट T12। ओके, T1 यहाँ मिल गया हमें 1000, तो T12 हमारा होता है 440। एक बार देख लो फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए है 1000 डाल दिया, 12 माइनस 1 है 11, 11 40 का होता है, 11 4 का होता है हमारा 44, और 0 लगा दिया 0 का, 660 हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज, यहाँ लिख देते द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या पूरा लिख लेना आपने, इंस्टॉलमेंट इज 1000 रुपीज़, ओके, इट इज़ रुपीज़ नॉट 1000, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹660, ओके। देयरफॉर हियर द प्रॉब्लम इज ओवर, और एक बार इसको देख लेना अच्छे से, एंड ये तीनों प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद और अगर आपको कुछ किसी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी हो इन वर्ड प्रॉब्लम्स तो कॉन्टैक्ट कीजिए। और एक और बात, ये 10th के जितने भी मैं डाल रहा और डालूंगा इसके थोड़े, इसके बाद और 2-3 मुझे लग रहे थोड़े हार्ड तो वो भी डालूंगा, तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ऑन यूट्यूब बच्चों, और कीप स्टडिंग, और 10th के अगर कोई आपको और प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, अभी अलजेब्रा हमारा खत्म होते आ रहा है, अभी मैं ज्योमेट्री का भी स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।